गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था, कौशाम्बी में दिया था, सारनाथ, पावापुरी उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? क्या करेंगे सही जवाब? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और इन्होंने ये कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ जो है ये कहाँ पड़ता है, कोई बता सकेंगे? सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ये यूपी का भाग है। आ इसका पुराना जो नाम है वो नाम है इसका क्या? ऋषिपत्तनम। नोट कर लीजिएगा, इसका पुराना नाम है ऋषि पत्तनम, ये नोट कर लीजिएगा, है ना? पुराना नाम ये नोट कर लीजिए, ओल्ड नेम है इसका। कभी कभी आपको ऋषिपत्तनम पूछ देगा, है ना? तो नोट कर लिया, ऐसे नहीं कि ऋषिपत्तनम के अगर दे दिया तो आप आंसर करने ही बारे कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला जो इनका स्पीच हुआ था, जिसे धर्मचक्र, एक यूनिक नेम है। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के जीवन में जो भी चीजें हुई थी वो एक यूनिक नेम से जाना जाता है। जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं प्रथम उपदेश को, मृत्यु को अलग नाम से जानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को अलग नाम से जानते हैं, है ना? तो नोट कर लीजिएगा, ऋषिपत्तनम इसका पुराना नाम है, ये यूपी में पड़ता है, और प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन भी इसे बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर।